सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना किसी भी अंधविश्वास में न पड़े। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से संबंधित भविष्यवाणियां गलत। सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय प्राकृतिक घटना है। सूर्य ग्रहण होने से न ही कोई समस्या तुरंत कम हो जाएगी और न ही बढ़ जाएगी, ऐसी किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करें। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसे राजनैतिक परिस्थितियों, सत्ता परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, बीमारियों और समसामयिक घटनाक्रमों से जोड़कर की जाने वाली तथाकथित भविष्यवाणियां गलत और आधारहीन है। सूर्य ग्रहण से किसी भी राशि के व्यक्ति, गर्भवती महिला, जल एवं खाद्यान्न पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इससे जुड़े विभिन्न अंधविश्वासों व भ्रमों के फेर में न पड़े। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। सरल शब्दों में इस खगोलीय घटना को इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य प्रकाशवान पिंड है तथा पृथ्वी एवं चंद्रमा प्रकाशहीन। अपने अपने कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए चंद्रमा या पृथ्वी में से कोई एक जब सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश अंशत या पूर्णत दूसरे तक नहीं पहुंच पाता तो ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वल्याकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 अक्टूबर को आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण को देखने के तरीकों के संबंध में भी काफी भ्रम है। वास्तव में सूर्य को सामान्य दिनों में नंगी आंखों से देखना भी आंखों के लिए हानिकारक है, लेकिन सामान्य दिनों में सूर्य की प्रखरता के कारण उसे लोग एक तक देखने का प्रयास नहीं करते। जबकि सूर्य ग्रहण के अवसर पर उत्सुकता व जिज्ञासा के कारण लोग ग्रहण की अवस्थाओं को लगातार देखते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों के साथ ही अल्ट्रावायलेट व इंफ्रारेड किरणें भी होती हैं, जो आंख के पर्दे, रेटिना की कोशिकाओं पर पड़ती हैं, तथा लगातार देखे जाने पर प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अवशोषित हो जाती है तथा आंख के पर्दे के उस विशिष्ट हिस्से को जलाती है जिससे रेटिना में स्थायी क्षति हो सकती है। इससे प्रभावित भाग की कार्यक्षमता कम हो जाती है तथा व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। सामान्य दिनों की भांति आंशिक ग्रहण में भी सूर्य की किरणें उतना ही नुकसान पहुंचाती है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह ठंडा होने के कारण ग्रहण देखना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह ढका नहीं होता। सूर्य ग्रहण को रंगीन फिल्म, पानी में, दूरबीन से, धूप के चश्मे से न देखें। ग्रहण को पिन होल कैमरा बनाकर सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के संबंध में सदियों से कई प्रकार के अंधविश्वास व मान्यताएं चली आ रही है, जैसे सूर्य ग्रहण सूर्य को राहु नामक दुष्ट ग्रह के निगल जाने से होता है, जिसकी शांति के लिए अनुष्ठान आदि किए जाने की सलाह दी थी। साथ ही राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से पानी, भोजन, कपड़े अपवित्र होना मानकर उसे पुनः शुद्ध करने के लिए कहा जाता था। जबकि भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट ने आज से करीब 1500 वर्ष पहले 499 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिया था कि सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जो कि सूर्य पर चंद्रमा की छाया पड़े से होती है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गोलाध्याय में इस बात का वर्णन किया है। लेकिन अब जब सबको ज्ञात ही है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण सूर्य ग्रहण होता है तथा सीमित समय के लिए होता है, राहु केतु की मान्यताएं बेबुनियाद प्रमाणित हो चुकी है।
तब उससे जुड़े अंधविश्वास व भ्रम को मानने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सूर्य ग्रहण का संक्रमण के बढ़ने या खत्म होने से कोई संबंध नहीं है। ग्रहण खगोलीय घटना है और वायरस संक्रमण से पृथ्वी के कुछ देशों में होने वाली महामारी, जो अन्य संक्रमणों की तरह स्वयं धीरे धीरे कम होने लगेगी और वैक्सीन बनने, दवा बनने से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो न यह किन्हीं के लिए शुभ है व न किसी के लिए अशुभ। अतएव किसी भी भ्रम में न पड़ा ही उचित होगा।